अरे डॉटर, तेरे हाथ में ये गुलाब कैसा? लगता है कुछ खास है इस गुलाब में। क्यों डॉटर? हाँ मदर, बहुत ही खास है गुलाब, क्योंकि कपी जी ने इस गुलाब को चूम कर मेरे बालों में लगाया था। क्यों मदर? हाँ डॉटर, लगता है कपी जी तुझसे प्यार करने लगे हैं। क्यों डॉटर? हाँ मदर, कल रात में उन्होंने मुझे मिलने भी बुलाया था और तुझसे बहुत प्यार भरी बातें की। ही इज सो रोमांटिक। क्या कपी ने कल हमको भी चांद दिखाई और इसको भी चांद दिखाई? लेकिन मैंने तो सुना है कि कपी जी ने कल मछली को भी चांद दिखाया। क्यों डॉटर? हाँ मदर, मैंने भी उनसे यही पूछा था, लेकिन कपी जी ने बताया कि मछली उनके पीछे पड़ी थी कि मुझे चांद दिखाओ चांद दिखाओ। लेकिन आज कपी जी मुझे रन के चांद तारे दिखाने ले जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हम कॉपी के पीछे पड़ा है? हम? वो बदमाश हमको चांद तारे दिखाने के लिए रोन ले जाने वाला था, वादा किया था। अभी पीछे से इस नंदा के साथ रन जाने का प्लान बनाती है। ही नॉट चल बे। कॉपी, कॉपी हमको ना तुम्हारा बहुत याद आ रहा है। क्या तुम अभी के अभी हमारे टैंक के बाहर आ सकती है? लगता है मछली को मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, शायद इसीलिए इसने मुझे बुलाया है। वो तो खुद मछली ने बुलाया ना। मछली, I'm here, come out dear. ये लो मछली, लो लो लो, ये लो मछली, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हासिल की। हाँ? तो मछली, ये बताओ कैसा लगा मेरा टेंशन टाइट परफॉर्मेंस? मजा आ गया तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के। कॉपी, तुम्हारा परफॉर्मेंस सचमुच बहुत अच्छी थी। थैंक यू, थैंक यू। एक बात तो बताओ, तुमको चांद तारा बहुत पसंद है? ए, 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 मछली, मुझे चांद तारे बहुत पसंद है। इसीलिए तो तुम हमको रन का चांद तारा दिखाने वाली है। ओ या, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। कॉपी, अगर हम तुमको यहीं पे दिन में रन का चांद तारा दिखा दे तो? दिन में? हाउ रोमांटिक। दिन में? लेकिन दिन में कैसे? दिखी तुमको रन की चांद तारा? देख तो रहे हैं। फोटो कॉपी चार, ये तो कई सारे देख रहे हैं। अभी जल्दी से यहाँ से रन कर लो, वरना हम तुमको चांद तारे नहीं सीधे मंगल ग्रह पहुँचा देगा। समझी? ये दो दो मछली दिख रही, बहुत दर्द हो रहा है। वेलकम बैक आफ्टर अ वंडरफुल टी ब्रेक। क्या बात है, आप लोग ने आज की शाम बना दी है। पूरे एक घंटे बाद हमारी मुलाकात हो रही है और वो घड़ी आ चुकी है जब हम बताएंगे कि कौन है रण उत्सव फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के विजेता। सभी कंटेस्टेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए स्टेज पर आइए। क्या आप जानते हैं कि कौन है इस रण उत्सव फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के विजेता? रण उत्सव फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के विजेता है, विजेता है शेख चिल्ली और शेख बिल्ली। अभी हम स्टेज पर इनवाइट करना चाहेंगे हमारे चीफ गेस्ट श्री शत्रुंजय शुक्ला जी को।
प्लीज इनको दिया जा रहा है 10,000 रुपए का चेक। तालियां। और इतना ही नहीं, साथ साथ में इन्हें मिल रहा है पैरा सेलिंग पर जाने का मौका। टोटल स्माइल। जान लो वो रहा शेख फलाना, हमें उसे बड़ी चालाकी और होशियारी से पकड़ना है, कहीं वो भाग ना जाए, ध्यान रहे। थैंक यू। गोमुख, अरे वही आदमी जिसे कल बुलेट चिड़िया लगी थी, वो अपने और साथियों को लेकर आ रहा है बदला लेने के लिए। भैया कहीं आपके साथ साथ मैं भी ना पिट जाऊं। अरे कहाँ जा रहे हैं, रुको रुको, आपको तो पैरा सेलिंग की ओर बढ़ना है। कुकु, यही सही तरीका है इससे बचने का, पैरा सेलिंग। वो जब तक नीचे रहेगा हम हवा में उड़ते रहेंगे। भैया जल्दी से लेकर चलिए हमें पैरा सेलिंग के लिए, चलिए आपके लिए। जान लो यहाँ इतनी भीड़ में लोगों के बीच में हमें उसे नहीं पकड़ना है, कहीं उसके पास हथियार हुआ तो सिर्फ उसके ऊपर नजर रखनी है और मौका मिलते ही उसे पकड़ लेना है। चलो आगे आगे। आप लोग फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीते, उसमें आप लोगों को 10,000 रुपए का इनाम मिला। अब आप लोगों को आरसी एविएशन और कंसल्टेंसी की तरफ से पैरा सेलिंग का मौका मिलता है। लेकिन आप लोग जब हवा में जाएंगे ना तो अपना बैलेंस बना के रखना हो, क्योंकि आज हवा बहुत तेज है। जाइए जाइए, टाइम से बहुत मजा आएगा। भैया हम एक फोटो खींचेंगे बाजी को दिखाने के लिए। हो गया, आ गया आ गया, जल्दी स्टार्ट करो भैया, फुल स्टार्ट। वो देखो उड़े जा रहे हैं। जाएंगे कहाँ, लौट कर तो यही आएंगे। अबे गोमू कहीं के टेंशन खत्म हो गया, ये कोई ट्रेन थोड़ी है जो दौड़ के पकड़ लेगा। अबे अबे गोमू कहीं के ये हवाई ट्रेन झटके क्यों खा रही है? मुझे लगता है पैराशूट गिरने वाला है। ये न जाने किस जहां में खो गए। एक अभी तो बंदर, ये गिल्लू के पापा हवा में दिखाए क्यों नहीं दे रहे? भाभी आप टेंशन टाइट मत कीजिए, भैया आ जाएंगे, आ ही होंगे। भैया क्या अभी तक थप्पड़ का दर्द हो रहा है? तुझे किससे पता कि मुझे थप्पड़ पड़ा है? भैया जब किसी को जोर का थप्पड़ पड़ता है ना, वो ऐसे गाल पे हाथ रखता है।
इतनी जोर से थप्पड़ मार के मेरी टेंशन तो टाइट कर दी तुमने, लेकिन वजह तो बताई नहीं। कहाँ रह गए? कोयल भाभी, चिंता नहीं करो, घोटक दादा और गोमुख दादा थोड़ा दूर तक चले गए होंगे घूमने, अभी आ जाएगी। आप लोग बुरा मत मानिएगा, फिर अब मुझे टेंशन हो रही है। अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था, लेकिन क्यों? क्योंकि बहुत देर हो रही है ना, इसलिए। प्रेम जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। कब आएंगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों मदा? ना चोल बे, ये क्या चोल रहा है? एक मिनट बालू, एक मिनट, आप चुप कीजिए और ये बताइए कि क्यों रो रही है? आपका ऐसा क्या चला गया? बताओ, वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं और ये मुझे रोने को भी मना कर रही है। हम तो ना इंसानियत के नाते रो रहे हैं, क्यों डॉक्टर? हाँ मदा। वाह 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 वाह, क्या बात है, कितनी चिंता कर रही है हमारे भैया, क्या संस्कार है आपके? कोल बाबा, देखो तो कितना एक्टिंग करता है, कॉपी को दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहा है कि उसको अपने दोनों जेठ का कितना चिंता है, बदमाश कहीं का, दोनों के दोनों। कपी हुआ, आखिर ये शेख फलाना गया किधर? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। सर कहेंगे पैरासेलिंग लेकर बॉर्डर के उस तरफ तो नहीं चला गया? गड़बड़ थे गई साहब, बहुत गड़बड़ थे गई। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, क्या गड़बड़ हो गई भाई? अरे साहब, हम रन में बॉर्डर के पास अपनी भेड़ बकरी लेके जा रहे थे, हमने देखा हवा में दो आदमी ऐसे उल्टे सीधे उड़ते हुए ऐसे ऐसे चले जा रहे। अरे भाई साहब, ऐसी आधी अधूरी बात क्यों बता रहे हैं? ठीक तरह से बताइए ना। अरे बहन, हमने देखा हवा में कुछ गड़बड़ हो गई और उनकी छतरी उड़ते हुए उल्टे सीधे बॉर्डर के उस तरफ चली गई। गड़बड़ थे गई, हम तो सीधे भागते हुए आपको बता रहे हैं। आ गए साहब, गड़बड़ थे गई। बॉर्डर के पार अब क्या होगा कभी? मैनेजर साहब, ये तो टेंशन टाइट सिचुएशन हो गई, अब हम क्या करेंगे? आप सब चिंता मत कीजिए, आइए मेरे साथ, हम सब गाड़ियां भेजते हैं उनको ढूंढने के लिए। आइए आइए। सर लगता है वो बॉर्डर के उस पार भाग गया। जान लो, शेख फलाना बहुत चालाक है और ये रन और घना जंगल पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, वो बॉर्डर के आसपास होगा। आप लोग रन का और बॉर्डर का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे शेख फलाना किसी भी कीमत पर चाहिए। जा। यस सर। अरे हाँ हाँ, अरे सब जगह पे ढूंढो, अरे रण में ढूंढो, जंगल में ढूंढो, सब जगह ठीक से ढूंढो, अरे कहीं तो होने चाहिए वो दोनों। और देखो, जैसे ही उनके बारे में कुछ भी पता चले ना, मुझे तुरंत फोन करके इन्फॉर्म करो, जल्दी। हाँ 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 हाँ। मैनेजर साहब, बेन कुछ पता चला? मैनेजर साहब नहीं बेन, अभी तक उन दोनों का कुछ पता नहीं चला, लेकिन आप चिंता मत करो, हमें लोग उनको ढूंढ रहे हैं। जरा जल्दी कीजिए मैनेजर साहब, नहीं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। क्यों डॉक्टर? हाँ मदो, मैं उनके बिना बिल्कुल नहीं जी सकती। अरे अरे अरे, कुंवारी रह जाएगी का क्या मतलब है? हाँ, पैरासेलिंग में तो मेरे पति गए हैं। हाँ? आपके पति अकेले गायब नहीं हुए हैं, मुझे तो उनके साथ वालों की चिंता है।
क्यों डॉटर? हाँ मदर। भाभी, गोमू भैया का इस टैंकर से क्या लेना देना? अरे छोड़ ना कपी, ये सब ये सोचने का टाइम नहीं है। मैनेजर साहब, आप ना पुलिस को खबर कर दो। अरे मैडम, पुलिस को खबर करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, इसलिए हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों को इन्फॉर्म कर दिया है और उन्होंने आपके पति और देवर दोनों को ढूंढना शुरू भी कर दिया है। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या चल बे। देखिए मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, देखिए आपके पति और आपके देवर दोनों मिल जाएंगे। मैडम अभी आप एक काम कीजिए, आप टेंट में जाके आराम कीजिए। जैसे ही उनके बारे में कोई भी खबर मिलती है ना, मैं खुद आके आपको बता दूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है मैन। हाँ चलिए भाभी, हम सब अपने टेंट में चलते हैं। अब इंतजार के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, देखिए मैनेजर साहब, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। आप जल्दी से खबर कीजिए। चल मछली। बोरा अजीब है ये लड़की, घूमता फिरता कॉपी के साथ है और रो गोमुख दादा के ले रही है। बहुत तमीज। नहीं नहीं, हावड़ा पटरी से उतर गए, पटरी से उतर गए हावड़ा। कॉमा फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट बंद। भैया भैया उठो भैया, डॉट डॉट डॉट। अबे कोमा, मेरी हावड़ा को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? अरे भैया हावड़ा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमारा एक्सीडेंट हुआ है। पहुंचते हो भैया, डॉट डॉट डॉट। हम आसमान से भी टपके और खजूर में भी नहीं अटके। ये तो 6 महीने हमारा, हमारा पैराशूट कहाँ है? पैराशूट? अरे भैया मुझे कुछ याद नहीं। भैया मुझे तो बस इतना याद है कि हम आसमान से जमीन के ब्रैकेट की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। हाँ। फिर मैं फुल स्टॉप हो गया। हाँ? मतलब मैं फिर बेहोश हो गया। मैं भी बेहोश हो गया था। पता नहीं इस वक्त कौन से प्लेटफॉर्म पर है हम लोग। यहाँ तो दूर दूर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, ना कोमा ना फुल स्टॉप। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाए, पूरब के पश्चिम उत्तर के दक्षिण। अबे पहले ये तो तय कर ले कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है कहाँ। करेक्ट। कोमा, सूरज यहाँ है, मतलब ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण। करेक्ट। लेकिन भैया अगर सूरज डूब रहा हुआ तब तो ये पश्चिम हुआ ना। अरे हाँ, ये पश्चिम है। एक मिनट, तुझे भूख लगी? बहुत जोर से भूख लगी। डॉट डॉट डॉट। अच्छा, हम सुबह नाश्ता करके निकले थे। हाँ। और अब तुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मतलब शाम होने को आई है। हाँ। मतलब ये सूरज डूबता हुआ सूरज है, मतलब ये पश्चिम है, पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर। भैया ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण छोड़ो, जो कुछ करना है हमें ही करना पड़ेगा। डॉट डॉट डॉट। क्या करें? इस तरफ चलते। डॉट डॉट डॉट। इस तरफ। हाँ ठीक है चल। अरे कोई है? बचाओ! अरे कोई है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.